हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज जनेऊ ब्लॉग सेरेमनी का पार्ट 3 ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस, जो भी लोग मेरे चैनल को न्यू देख रहे हो, मेरे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। गाइस, कल का वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं पर स्टार्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं सोनी को खाना खिला रही हूँ, लंच खिला रही हूँ, सब लोग लंच कर रही हूँ ऊपर जाके। मेरा तो उपवास है, मैं नहीं करूँगी। जो मेरी बहन लोग आए थे, जो भी आए थे मेहमान वगैरह, सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर, पता नहीं वीडियो बन पाया नहीं बन पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ऊपर जाके। अगर मेरे हस्बैंड किए होंगे तो मेरे फ़ोन पे होगा तो मैं उसको देखूँगी, होगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर बापी का कान में छेदन होगा, जो सोने की, जो उसको हम खांसिया बोलते हैं, रिंग जैसा होता है, उसी से उसकी कान की छेदन होगा। यहाँ पर उसको जो सोने का फांस ये होता है रिंग, उसको पहनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बनिया भाई है, मतलब नाई, वो यहाँ पर छेद कर रहा है बापी का फेस, आप लोग देख लीजिए। और ये ब्लॉग, ये वीडियो मैंने नहीं शूट किया है, मेरे हस्बैंड किए हैं, मैं नहीं गई थी, मैं नहीं देख पाऊँगी। यहाँ पर जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था बापी का कष्ट देख के। तो यहाँ पर रोजी उसको एक एक मिठाई खिला रहे हैं, और मामा के घर कहाँ हैं उस तरफ जाओ देखो, ऐसे बोल रहे थे। और बापी को देख लीजिए कैसे फेस कर रहा है। यहाँ पर दीपू और रोजी यहाँ पर बापी को संभाल रहे थे, मतलब उसको हौसला दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, एक छेदन तो हो गया, दूसरे कान में करना है। बापी मना कर रहा था, और एक मत करो मत करो मना कर रहा था, और मिठाई नहीं खा रहा था, लेकिन क्या करें, ये मतलब वो है तो नियम है तो करना पड़ेगा। गला सर गला बस, गुड गुड बॉय। अबे गाइस, बापी का कान का छेदन हो चुका है। और यहाँ पर एक मतलब नियम है, मैं बता देती हूँ, जो मेन चीज़ है मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे कर्म हुआ है, मंत्र पढ़ा गया है। और यहाँ पर देखिए, अभी कान के छेदन के बाद यहाँ पर पंचभोज खिलाते हैं। यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाई हूँ, जो माँ है, जो मामी है, वो बनाती है, मामी तो इसकी है नहीं, तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाई हूँ मीठी वाली, जो कि घी, जीरा और चीनी, तेज़पत्ता, ये दे के बनाई हूँ। इसकी खिचड़ी बनेगी, जो कि मैं बना चुकी हूँ, जो माटी वाला जो हांडी होता है मिट्टी का, उसी में बनाई हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर परस चुकी हूँ। और ये जो मामा जी है, इन मेरे हस्बैंड जी के मामा है ये, यहाँ पर वो एक एक लड्डू जैसा बनाएंगे, मतलब 5 लड्डू बनाएंगे। और फिर ये जो 5 लोग बैठे हैं अभी,
मैं सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग ये पहले बापी खाना शुरू करेगा और सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पूरा ये पत्ते में जितने भी खिचड़ी है सबको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मामा जी एक एक लड्डू करके 5 लड्डू बनाएंगे, फिर बापी उसको खाएगा। और मैं यहाँ पर बोल रही थी मामा जी थोड़ा बड़ा बड़ा बना लो ताकि बापी खा ले, और तो कुछ खाएगा नहीं, इसी टाइम थोड़ा खा लेगा तो अच्छा रहेगा। और सब लोग बातें भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल साउंड भी आप लोगों को सुना देती हूँ, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा लेकिन जो भी उड़ीसा के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड आके बापी को खिला रहे थे, मामा जी मना किए वो अपने हाथ नहीं खाएगा, तुम मत खिलाओ। अभी गाइस यहाँ पर जो खिचड़ी खाना था, पंचभुज खाना था, वो फिनिश हो चुका है। अभी वापी फिर से जा रहा है मंडप पे, वहाँ पर उसका व्रतपन विधि जो है उसको संपूर्ण करना है। अभी यहाँ पर गाइस एक और नियम है, देखिए जो पंडित जी है यहाँ पर, देखिए इसको हम जाल बोलते हैं उड़िया में, पूरा बोलो तो जालो, तो यहाँ पर वही पहनाएंगे, जाल मतलब नेस्ट जो बोलते हैं वही पहनाएंगे। अभी इसको पहन के फिर और आगे फिर विधि संपन्न होगा, तो यहाँ पर पंडित जी वही कर रहे हैं। और ये जाल गाइस खाली जाल पहले पहनाते थे, जो कि जाल अलग से होता था, अभी तो पता नहीं क्या क्या चेंज हो रहा है, जो कि खाली जाल ही पहनाते थे, लेकिन बापी बड़ा हो चुका है तो यहाँ पर देखिए जाल को जो गमछा है उसी के ऊपर पंडित जी पहना रहे हैं, देखिए।
और गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों से बोल देती हूँ, मेरा अभी यही जर्नी वाला व्लॉग जारी रहेगा, क्योंकि जो भी क्लिप है, जो भी हमारा ब्राह्मण का जनेऊ व्रत पन्नेव है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोगों को ये जनेऊ वाला व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताना। अभी गाइस जाल बांध चुके हैं, अभी जो जनेऊ मेन चीज़ है वो डाला जाएगा। यहाँ पर मैं ओरिजिनल साउंड आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सुना रही हूँ, देख लीजिए। जनेऊ यहाँ पर रेडी हो चुका है, यहाँ पर अभी बापी को जनेऊ डाला जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादी ऋषय रूप जजु आम अक्षरवाणी संगांशी रक्त पित्त श्वेतवर्ण बीजम अकार उकार मकार कीलकम अष्टस गोत्र चतुर्वेदाध्यायी जगन्नाथ बटु ब्रह्मचारी मम स्मृत स्मार्त नित्य नैमित्तिक कामीय कर्म फल साधने होते यज्ञोपवीत ग्रहणे विनिजोग नमस्कार कर। एथर बैठक छाड़ डाण हाथ को अभी ये जनेऊ जो डाला जाएगा इसको अपने पापा और काका और नाना और दादाजी ये मिल लोग मिलकर यहाँ पर जनेऊ डालेंगे। परम पवित्रम बृहस्पते सहजं और गाइस मैं यहाँ पर जनेऊ का उड़िया में बता देती हूँ, जनेऊ को उड़िया में बोलते हैं पोइता। अभी गाइस जनेऊ डाला जा चुका है, लगभग सारे मतलब कर्म हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट में जनेऊ का मतलब यहाँ पर पंडित जी अंत में जो इसको बापी को अभी समझा रहे हैं जनेऊ का नियम कैसे पालना है वो सब बताएंगे, तो यहाँ पर वही हो रहा है। और गाइस आज का जो जनेऊ वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, यहीं से फिर से कंटिन्यू रहेगा, जनेऊ ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में जनेऊ वाली ब्लॉग में। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।